प्रथम पूज्य देव भगवान श्री गणेश प्रतिमा स्थापना के साथ ही 10 दिवसीय महोत्सव की शुरुआत हो गई है। भक्त शहर में कॉलोनी मोहल्लों में बने सार्वजनिक पंडालों में विभिन्न रूपों में विराजित बप्पा की प्रतिमा के दर्शन के लिए पहुंच रहे हैं। शहर के गांधीनगर स्थित गौशाला में विराजित गणपति प्रतिमा लोगों की आस्था का केंद्र बनी हुई है। यहां गौ सेवकों ने गाय के गोबर और गौमूत्र से मनमोहक प्रतिमा का निर्माण कर पंडाल में विधिवत पूजन अर्चन कर स्थापना की है। सुबह शाम इस प्रतिमा के दर्शन पूजन के लिए भक्त पहुंच रहे हैं। गौ सेवकों ने बताया कि गणेश जी की मूर्ति को मिट्टी और गाय के गोबर से बनाया गया है। लोगों को पर्यावरण के प्रति जागरूक होना चाहिए और प्लास्टर ऑफ पेरिस से बनी मूर्तियों को उपयोग नहीं करना चाहिए, जिससे नदियों में फैलते प्रदूषण पर हम रोक लगा सकते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, खरगोन। माता जगी पार्वती पिता महादेवा, अंधन को आंख देख गोड़ियन को काया, अंधन को आंख देख गोड़ियन को काया, बांजन को पुत्र देख निर्धन को माया, बांजन को पुत्र देख निर्धन को माया, दूर श्याम शरण। क्या कहना चाहेंगे? ये हमको बहुत अच्छा लगा कि इस साल हमारे यहाँ गोबर गणेश बने हैं, गौ माता के गोबर से और गौमूत्र से बनाए हैं। तो हमको तो बहुत अच्छा लगा कि हमारी कॉलोनी में पहली बार गोबर गणेश बने, इसलिए हमको बहुत बहुत खुशी हुई। अच्छा, क्या इससे क्या मतलब क्या रहता है मूर्ति जैसे गोबर की? गोबर की गणेश की मूर्ति के इसलिए बनाते हैं कि बहुत अच्छा वो होता है, भगवान का पवित्र रहती है और शुद्ध रहता है पर्यावरण के लिए। अच्छा, पर्यावरण संदेश। हाँ, दर्शन करने के लिए लोग पहुंच भी रहे हैं? हाँ, आते हैं दर्शन करने के लिए सभी। अभी कल बैठे हैं तो आज से सब आने वाले चालू हो जाएंगे। कल शाम को 8 बजे बाद मूर्ति बैठी है इसलिए। क्या नाम है आपका? मेरा नाम भारती कर्म। ये क्या उद्देश्य गौशाला में किया गया है? ये गणेश जी की जो मूर्ति है, ये गौ माता सेवा संस्थान के गौ सेवकों ने 7 दिन की कड़ी मेहनत के बाद गोबर और गौमूत्र से बनाई है। और ये बप्पा का जो है गोबर गणेश का स्वरूप यहाँ पर स्थापित किया है गौ सेवकों ने। इसके पीछे का उद्देश्य है पर्यावरण से संबंधित, क्योंकि POP की जो मूर्तियाँ होती है वो विसर्जन के बाद कहीं ना कहीं जल को दूषित करती है, पर्यावरण को प्रदूषित करती है। उसको उसके लिए जन जागृति लाने हेतु ये गोबर गणेश की मूर्ति यहाँ गौसेवकों ने स्थापित की है। इसका उद्देश्य ये है कि पर्यावरण की रक्षा हो, जनचेत जागृति हो इसके माध्यम से। और शास्त्रों में भी विधान है कि गोबर से ही गणेश की प्रतिमा का निर्माण होता है, गोबर गणेश ही विराजते हैं, उन्हीं की पूजा का विधान है। इसलिए उसी उद्देश्य को लेकर यह गोबर गणेश की स्थापना है गौसेवकों ने की है। गोबर से जैसे बनाते गणेश जी, से क्या लाभ होता? गोबर से लाभ एक तो ये पर्यावरण। हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं हमारा चैनल SW24 न्यूज। हमारे सारे वीडियो सबसे पहले देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और पास में लगे बेल आइकोन को दबाना बिल्कुल भी ना भूलें।